आज की वीडियो में हम स्कूल रेडीनेस विद्या प्रवेश कार्यक्रम के तीसरे मॉड्यूल के आकलन भाग में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। इससे पहले कि मॉड्यूल एक और दो के आंसर और स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम संचालन से संबंधित वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए अब पहला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी भाषा के अक्षरों पर ध्वनि जागरूकता पर कार्य किस सप्ताह से शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है सप्ताह 7 से। अगला प्रश्न है, कविता पोस्टर पर कार्य करने की रणनीति के चरण का सही क्रम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, 3, 4 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि जागरूकता पर कार्य करने के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? इसका सही जवाब है वर्णों शब्दों को बच्चों को लिखने के लिए कहना। साथियों, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, बच्चों द्वारा वर्णों को कॉपी नोटबुक कार्य पुस्तिका में लिखने का कार्य किस सप्ताह से प्रस्तावित है? इसका सही जवाब है सप्ताह 9 से। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र खेल में कौन सा कोना नहीं होता है? इसका सही जवाब है लकड़ी कोना। अगला प्रश्न है, साझा पठन किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है शिक्षक और बच्चे मिलकर पढ़ रहे हों। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी गतिविधि भाषा और साक्षरता कौशल से संबंधित गतिविधि नहीं है? इसका सही जवाब है सब्जियों की छाप से आकृति बनाना। अगला प्रश्न है, अंकीय दक्षता कौशल बच्चों में? इसका सही जवाब है समस्या समाधान कौशल और तार्किक तर्क विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं? इसका सही जवाब है उत्तर बी और सी के माध्यम से। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक वातावरण बनाने हेतु क्या आवश्यक है? इसका सही जवाब है उक्त सभी उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भावनात्मक शिक्षण SEL का प्राथमिक लक्ष्य है? इसका सही जवाब है आत्म जागरूकता और सहानुभूति को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, शुरुआत में बच्चों को जोड़ घटाव सिखाने के लिए केवल ठोस वस्तुओं का ही उपयोग किया जाना चाहिए? इसका सही जवाब है सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटाव का उदाहरण नहीं है? इसका सही जवाब है दो संख्याएं जोड़ना। अगला प्रश्न है, बच्चों को जोड़ घटाव सीखने से पहले गिनती सीखना आवश्यक है? इसका सही जवाब है सही। अगला प्रश्न है, संख्या का जोड़ क्या है? इसका सही जवाब है दो या दो से अधिक संख्याओं को मिलाकर उनका योग ज्ञात करना। साथियों, क्विज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वीडियोस आपको चैनल पर लोकसभा चुनाव 2024 प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जय हिंद।